खबर बनखेड़ी से। विश्व हिंदू परिषद ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे आक्रमण और शर्मनाक घटनाओं के संदर्भ में बनखेड़ी में आज तहसील कार्यालय में विश्व हिंदू परिषद द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। कहा गया, बांग्लादेश में कट्टरपंथी द्वारा प्रतिदिन हिंदुओं को चिन्हित कर उन पर योजनाबद्ध तरीके से हमला किए जा रहे। वहां पर निवास करने वाले हिंदू समुदाय बहुत डरे हैं। अभी हाल ही में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को बांग्लादेश के कामिल्ला जिले में कट्टरपंथी लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के पंडालों को जलाया, मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा को खंडित किया। घटना लगभग 22 जिलों में घटित हुई, जिसमें लगभग 150 देवी पंडाल और मंदिर में आग में जलकर खाक हो गए। हिंदुओं को चिन्हित कर मारा पीटा गया, माता बहनों को इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। इस घटना में लगभग 66 परिवार को अपनी जान बचाकर घर छोड़कर भागना पड़ा, जिसमें लगभग 20 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण हिंदुओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा। विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन के द्वारा बांग्लादेश सरकार से मांग की, हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण और अत्याचारों को रोकने हेतु कठोर कदम उठाएं, दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो। भारत सरकार से निवेदन है, बांग्लादेश में इन घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान हेतु मैदान में उतरेगा। ज्ञापन देने में जिला मंत्री शेर सिंह रघुवंशी, प्रखंड अध्यक्ष जगदीश चरारिया, गोविंद पटेल, दीपक दुर्गेश कुशवाहा, विश्व हिंदू परिषद के समस्त ब्लॉक अधिकारी और सदस्यगण उपस्थित और मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा, श्रीमान तहसीलदार महोदय, बनखेड़ी, जिला पिपरिया, नर्मदापुर। विषय, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे आक्रमण एवं हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं व मंदिर तोड़ने जैसी शर्मनाक घटना के संदर्भ में यह कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा प्रतिदिन हिंदुओं को चिन्हित कर उन पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जिसमें वहां निवास करने वाले हिंदू समुदाय बहुत डरा हुआ है एवं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। अभी हाल ही में दिनांक 13 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार को बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले में एक कट्टरपंथी मुसलमान द्वारा हिंदू देवी देवताओं के पंडालों को जलाया गया। साथ ही इस्कॉन मंदिर एवं विभिन्न मंदिरों के देवी देवताओं की मूर्तियों व प्रतिमाओं को भी खंडित किया गया। इस प्रकार की यह घटना एक जिले में ही नहीं बल्कि लगभग 22 जिलों में घटित हुई, जिससे लगभग 150 देवी पंडाल एवं मंदिर आग में जलाकर समाप्त कर दिए गए। इतना ही नहीं, हिंदू समाज को चिन्हित कर मार पीटा गया, माताओं बहनों को इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस घटना में लगभग 66 परिवारों को अपनी जान बचाकर घर छोड़कर भागना पड़ा एवं लगभग 20 हिंदू की मृत्यु हो गई। इतना सब होने के बाद भी बांग्लादेश सरकार आंख बंद कर बैठी है। इस विभक्त घटना को देखकर हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण तथा अत्याचार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाए एवं दोषी पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करे, तथा भारत सरकार से निवेदन करती है कि वह बांग्लादेश की इस घटना को रोकने हेतु बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए। यदि ऐसा नहीं होता तो विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के संरक्षण एवं सम्मान हेतु मैदान में उतरेगा। निवेदक, विश्व हिंदू परिषद, मध्य भारत प्रांत, जिला पिपरिया, नर्मदापुर, प्रखंड बनखेड़ी। खबर भारतवर्ष के लिए बनखेड़ी से कमलेश नामदेव की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।